मार्केट। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये लाजपत राय मार्केट है। आज मैं आपको टूल मार्केट ले चलूंगा जहां आपको बहुत ही सस्ते रेटों पे टूल मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं आपका अपना अरुण वशिष्ठ, आज मैं आ गया हूँ भाई लाजपत राय मार्केट। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये लाजपत राय मार्केट है। आज मैं आपको टूल मार्केट ले चलूँगा जहाँ आपको बहुत ही सस्ते रेटों पे टूल मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन आपको लाल किला पड़ेगा। आप मेरे पीछे लाल किला देख सकते हैं, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये मार्केट शुरू हो जाती है। तो चलो मार्केट के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या प्राइस है, क्या क्या क्वालिटी है, सब कुछ बताऊंगा अपने इस वीडियो पे। आप वीडियो बने रहना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और अपने भाई पे प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये लाल किला है बिल्कुल, ठीक है। और ये हमारा गौरीशंकर मंदिर है और जहाँ मैं आज जा रहा हूँ ये लाजपत राय मार्केट है और ये ठीक बीच में एक गली है। हम इसके अंदर चलेंगे और इसके अंदर कम से कम पटरी पे 8-10 शॉप है। चलते हैं, किसी पता करते हैं क्या क्या प्राइस हमें टूल के देखने को मिलेंगे। तो मैं थोड़ा पहले मार्केट का व्यू दे दूँ। तो रास्ता मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, लाल किला मेट्रो स्टेशन इस तरह पड़ेगा और ये गली में हमें जाना है अगर टूल लेना है। तो चलो देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है आज यहाँ पर। ये थोड़ा आपको मैं मार्केट का व्यू देता हूँ। तो चलते हैं किसी शॉप पर और पता करते हैं प्राइस। तो भैया इस तरफ चलते हैं, यहाँ हमें भाई टूल देखने को मिले, ठीक है, हार्डवेयर टूल। और यहाँ पता करेंगे भैया से प्राइस। पहले मैं आपको दिखा दूँ भैया क्या क्या रखते हैं। ये देखो ये सारी आइटम रखते हैं, प्लास हो गए, तोता प्लास हो गया, ठीक है, ये इंची टेप, इस तरह की आइटम रखते हैं। भैया से प्राइस पता करेंगे, सब कुछ पता करेंगे, ठीक है। ये देखो पाना वाना सब कुछ रखते हैं। तो भैया से पता करते हैं, भैया को माइक दे देते हैं। भैया ये माइक यहाँ लगा लेना, ठीक है। और थोड़ा बताना भैया क्या क्या प्राइस है, क्या क्या किस रेट पर पड़ता है और किस किस यूज़ में आते हैं चीज़ें, मुझे थोड़ा इस कम पता है इसके बारे में। मैं भैया को माइक लगा देता हूँ ताकि आवाज़ भैया की क्लियर आए। अच्छा भैया ये जो पेचकस हैं ये किस किस वजह से शुरू जाते हैं? ये 30 रुपये से स्टार्ट है। 30 रुपये वाला कौन सा भैया? ये 30 का है। ये 30 रुपये का है। ये कौन, ये नंबर होता है ना इसके अंदर? नंबर है 606। ये दोनों तरफ से यूज किया जा सकता है। ये 2-in-1 है। आप इधर खोल के ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये स्टार वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मात्र आपको 30 रुपये में मिलेगा, ठीक है। और देखते हैं और भैया बड़े वाला? ये तपारिया का आएगा। ये कपारिया का है जी, ये तपारिया ब्रांड है। हाँ, ये किस प्राइस का पड़ेगा? ये 80 रुपये का आएगा। ये 80 रुपये का पड़ेगा बड़ा। ये सिंगल, ये भी दो साइड से, ये भी दो साइड से भाई, ठीक है। और देखते हैं और ये वाला भैया? ये 40 रुपये का, ये भी तपारिया का। ये भी कपारिया, ये भी 40 रुपये का। अभी ये क्या चीज़ है? ये भी पेचकस है। ये पेचकस है, ये किस है? ये भी 2-in-1 है, ठीक है। ये कितने का पड़ेगा? ये 60 रुपये। ये 60 रुपये पड़ेगा, ठीक है। अच्छा भैया ये मल्टी टूल है, ये किस प्राइस पड़ेगा? 100 रुपये का। ये 100 रुपये का। ये क्या क्या यूज़ होता है भैया इसमें, तो बताएंगे? ये देखो इस तरह का, छोटा बड़ा सब, छोटा बड़ा सब सब तरह का यूज़ किया जा सकता है। ये देखो लैपटॉप मोबाइल जो भी। अच्छा ये कुछ भी खोल सकते हैं इसमें, मोबाइल भी खोल सकते हैं ना इसमें, ठीक है। ये कितने पड़ेगा? 100 रुपये बताना आपने। ये 100 रुपये के अंदर आपको भी चलेगा ये। हाँ जी, ये सारा लाइट लगा हुआ है। लाइट भी चलता है इसके अंदर? सेल भी डलेगा। अच्छा सेल भी डलेगा, क्या बात है भैया। 100 रुपये के अंदर आपको ये चीज़ मिलती है, सेल भी डलता है आप यहाँ से, ठीक है। केवल 100 रुपये का ये बटन है, ठीक है। तो भैया ये मात्र आपको 100 रुपये पड़ेगा। अच्छा भैया ये जो चीज़ ये क्या बोलते हैं इसको? पाइप इंचर। ये कितने पड़ेगा भैया? 12 इंची 140। 12 इंची 140 का है ना? हाँ, ये तो 14 इंची हो गया ना? ये 14 इंची। ये कितने पड़ेगा? 250 का है। ये 250 रुपये का। 12 इंची वाला कौन सा है? 18 इंची का है। ये 18 इंची वाला, ये कितने पड़ेगा? 320 रुपये का। ये 320 रुपये पड़ेगा 18 इंची वाला ये, ठीक है। और देखते हैं और ये छोटे वाले, ये
10 इंची का है। ये 10 इंची का, ये कितने पड़ेगा? 130 रुपए। ये 130 इंच 30 रुपए पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के आपको यहाँ पे ये भी मिल जाएंगे। और भैया ये जो प्लास है ये किस किस प्राइस के शुरू होते हैं? 50 का, 60 का, 70 का। ये 50 रुपए से शुरू होते हैं प्लास? ये 50 का है। ये 50 रुपए का प्लास है मात्र, ठीक है, 50 रुपए। इसके बाद भैया कौन सा अच्छी क्वालिटी आए? तो ये लो। ये कितने का है? ये आएगा 100 रुपए का। ये 100 रुपए का आएगा भाई, ठीक है। ये 60 रुपए का है। ये 60 रुपए का है, ठीक है। और देखते हैं और कौन कौन से प्लास में आएगा। ये देखो अच्छा, अच्छी क्वालिटी की रखें। ये 80 रुपए का है भाई, ये अच्छी क्वालिटी का आ गया। ये 80 रुपए का प्लास मिलेगा, ठीक है। ये 100 रुपए का है। ये 100 रुपए का। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या भैया, थोड़ा बहुत बताएंगे? ये स्टील में है। स्टील में? ये स्टील में है और ये लोहे में है, तभी 20 रुपए फर्क आ गया, ठीक है। और देखते हैं भैया इंची टेप भी रखते हैं। भैया इंची टेप किस तरह पड़ेगा? ये पड़ जाएगा आपको 3 मीटर का 40 रुपए का। 3 मीटर का 40 रुपए का आपको इंची टेप पड़ जाएगा। ये 5 मीटर का 80 रुपए का। ये 5 मीटर का 80 रुपए का। ये 3 मीटर का 60 रुपए का। 5 मीटर का 100 रुपए का। ये 3 मीटर का 60 का। 60 रुपए का। और देखते हैं भैया और क्या क्या रखते हैं, ठीक है। ये वाला टूल कितने का पड़ेगा? इसमें क्या है? ये सिर्फ 110 रुपए का है। अच्छा, इसमें कितने प्रकार के आते हैं? इसमें तो बहुत तरह का आते हैं। ये कितने का बताया आपने? 110। ये मात्र 110 रुपए पड़ेगा, ठीक है। 100 वाला है, 100 वाला जो खाना टूल। ये 110 रुपए पड़ेगा मात्र। 100 वाला नहीं है तुम्हारे पास? और देखते हैं। और ये भैया ये क्या चीज़ है? ये जैक लिए मोबाइल खोलने के लिए। ये मोबाइल खोलने के लिए जैक है। ये कितने पड़ेगा भैया जी? 100 रुपए। ये 100 रुपए पड़ेगा भाई, मोबाइल खोलने के लिए, ठीक है। जैक बता रहे हैं भैया। और देखते हैं भैया हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। उस तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है। 50 का नोट होगा। भैया ये ड्रिल मशीन कितनी पड़ेगी? 750। 750 की जी। ये 750 की ड्रिल मशीन पड़ेगी। अब ये क्या चीज़ है? ये स्क्रू कॉटलेस है। अच्छा। ये पेचकस खोलने के लिए, कसने के लिए। अच्छा, ये पेचकस कसने के लिए, खोलने के लिए। ये किस कितने पड़ेगा? 1150 का पड़ेगा। अब ये क्या चीज़ है? ये ग्लू गन है। अच्छा, ये कितनी पड़ेगी? 150। ये 150 रुपये पड़ेगी, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये टी गोटी है, गोटी है पेचकस खोलने के लिए, टी बनाने के लिए। हाँ, ये कितने पड़ेगा भैया? 120। ये 120 रुपये पड़ेगा, ठीक है। इस तरह आपको मिल जाएंगी। तो भैया ये कौन सी कैंची आ गई? आउटर इनर है, ये लॉक प्लास बोलते हैं। लॉक प्लास बोलते हैं। ये कितने पड़ेगा भैया जी? ये 110 रुपये का पड़ जाएगा। ये 110 रुपये पड़ेगा भाई, ठीक है। और देखते हैं और क्या क्या रखते हैं भैया हमारे। भैया ये क्या चीज़ है? टीन कटर है वो। अच्छा, ये कितने पड़ेगा? ये 120 का भी आता है, 220 का भी आता है, 320 का भी आता है, बहुत तरह का आता है। बहुत तरह का आता है। और देखते हैं भैया के पास। भैया ये क्या चीज़ है? ये लकड़ी काटने के लिए आता है। ये लकड़ी काटने के लिए कितने का पड़ेगा भैया? ये 100 रुपये का। ये मात्र 100 रुपये पड़ेगा लकड़ी काटने वाला भाई, ठीक है। और भैया ट्रिमर मशीन भी रखते हैं। ट्रिमर मशीन कितनी पड़ेगी भैया? 250-300 रुपये इस तरह पड़ेगी। उस तरफ चलते हैं, यहाँ हथौड़े भी रखते हैं भैया। हथौड़े पता करते हैं, ठीक है भैया। हथौड़े की रेंज कहाँ से शुरू होती है? 80 रुपये से। 80 वाली कौन सी भैया? 80 रुपये का ये 200 ग्राम का ये हथौड़ा भाई, 80 रुपये का। 300 ग्राम का 100 रुपये का आएगा। अच्छा, ये 300 ग्राम का? 200 ग्राम का है, 80 रुपये का। ये 200 ग्राम का 80 रुपये का, ठीक है। 300 ग्राम का? ये 300 ग्राम वाला थोड़ा, ये कितने का पड़ेगा? 100 रुपये का। ये 100 रुपये का थोड़ा पड़ेगा। ये 500 ग्राम का? ये 500 ग्राम का थोड़ा भाई। 150 रुपये का? ये 150 रुपये का थोड़ा, 500 ग्राम का थोड़ा सही ठोक देगा। और देखते हैं, और ये प्लास्टिक वाला टिमर 250 रुपये, 130 रुपये का। ये किस काम आता है प्लास्टिक? ये टाइल ठोकने के काम आता है। टाइल ठोकने के काम आता है ये। अच्छा, और देखते हैं मुझे अभी ये इसको क्या बोलते हैं इसको? ये गोटी पाना। गोटी पाना। ये कितने पड़ेगा? ये 70 रुपये का पड़ेगा। 70 रुपये का। ये साइज होते हैं ना इनके तो? अलग। हाँ, अलग अलग साइज होते हैं। ये अलग अलग साइज किसी प्राइस पड़ेंगे? एक ही प्राइस पड़ेंगे। कोई सा भी ले 70 रुपये का पड़ेगा। आप कोई सा भी ले, साइज का कोई इशू नहीं है, 70 रुपये पड़ेगा। और ये क्या चीज़ है? ये आ रही है भाई, लकड़ी काटने के लिए आ रही है। ये लकड़ी काटने के लिए आ रही है। कितनी पड़ेगी भाई? ये 100 रुपये का पड़ेगा। ये मात्र आपको 100 रुपये की पड़ेगी। क्या बात है, आपको 100 रुपये की आ रही मिल जाएगी। दो तरह की आ रही है आपके पास? ये वाली कितनी पड़ेगी? ये एक ही है, सेम ही है। अच्छा, सेम है। और देखते हैं भैया और भी दिखा रहे हैं। ये देखते हैं एक आ रही है और दिखा रहे हैं भैया हमारे। ये वाली ये भी आ रही है। ये आ रही देखो कितनी खतरनाक है। ये इस तरह की फोल्डिंग हो जाएंगे। क्या बात है, फोल्डिंग वाली है ये तो। यार रामपुरा एक चाकू आता था उस तरह की शेप है, ठीक है। ये कितने की आ रही पड़ेगी? ये 260 रुपये का पड़ेगा। ये 260 रुपये की आ रही पड़ेगी। क्या बात है, फोल्ड भी आती है। तो और देखते हैं। और भैया ये क्या चीज़ है? ये छोटा प्लास हो गया, छोटा 4 इंच में। ये कितने पड़ेगा छोटा प्लास? 50 रुपये का। 50 रुपये का। और भैया ये तो तार तूर काटने का काम आता है, ये कितने पड़ेगा? ये 50 रुपये का पड़ेगा, ये 30 रुपये का पड़ेगा, ये 40 रुपये का पड़ेगा। अच्छा, ये जो अच्छी क्वालिटी का बता रहे हैं भैया 50 रुपये का, और ये वाला 30 रुपये पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला 40 रुपये पड़ेगा भाई, ठीक है, इस तरह का। और देखते हैं भैया टेस्टर कितने पड़ेगा? 10 रुपये का। 10 रुपये का टेस्टर पड़ेगा। और भैया ये क्या चीज़ है? ये बिट है ना? हाँ, हैमर का बिट है। ये बिट है। बिट कितने की पड़ेगी भैया जी? ये पड़ जाएगा आपको 40 रुपये का। ये कितने इंची बिट है?
अलग अलग इसके हिसाब से, सूत के हिसाब से होता होगा ना ये तो? हाँ, ये 14 mm का है। ये 14 mm का है। और ये जो छोटी छोटी होती है ये फिर 30 रुपये का? 30 रुपये। और ये क्या चीज़? ये क्या चीज़ है? रेती फाइल है। रेती, ये रेती कितनी पड़ेगी? 60 रुपये का। ये रेती 60 रुपये की पड़ेगी भाई, ठीक है। और देखते हैं भैया के पास और क्या है। भैया ये जो बड़ी बड़ी ये हैं क्या बोलते हैं? ये एलन की सेट है। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? एलन की सेट है। एलन की ये दिखाने का भैया, ये क्या कितने की पड़ेगी? ये क्या क्वालिटी है जरा देखते हैं। इनसे साइकिलें खुलती है मोस्टली, है ना? जिम का काम आते हैं, जिम के काम आती है। ये कितनी पड़ी भैया? ये आपको 260 रुपये का पड़ेगा। ये 260 रुपये की इतनी सारी पड़ जाएंगी? हाँ भैया, इतनी सारी जो आपको 260 रुपये की पड़ेंगी, केवल 260 रुपये की। और भैया ये जो मीटर वूटर लगा रखे हैं आपने ऊपर, ये जो किस काम आते हैं मीटर? बिजली बिजली चेक करने के लिए होते हैं। बिजली बिजली चेक करने, ये किस किस प्राइस के होते हैं भैया? ये 150 रुपये से शुरू है। चलो मैं आप उस तरफ ले जाके आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा कैमरा। ये मीटर किस काम आता है? ये भी बिजली बिजली केबल को बिजली चेक करने का आता है। ये कितने पड़ेगा? ये 130 रुपये का पड़ेगा। ये 130 रुपये पड़ेगा, ठीक है। और देखते हैं ये भी, येला ये 320 रुपये का पड़ेगा। ये 320 रुपये पड़ेगा भाई। इस तरह की भैया के हमारे पास आइटमें रखते हैं। और देखते हैं और ढूंढते हैं, आइटमें बहुत सारी हैं। अब आधों को तो मुझे यूज़ भी नहीं पता क्या क्या यूज़ होते हैं, ठीक है। और देखते हैं भैया के पास। अच्छा ये जो ये भैया ये कितने की पड़ेगी पूरा बॉक्स? ये पूरा बॉक्स पड़ेंगे आपको 950 रुपये का। एक बार उठा के देख लें भैया, एक बार दिखाना भैया। ये जो बॉक्स है आपको, ये किस काम आता है भैया ये बॉक्स? ये बाइक के काम आता है। ये बाइक के काम आता है। और ये कितने बताया आपने? 950 में सारे टूल हो गए ना बाइक? हाँ, सारे होंगे। सारे टूल हो गए भाई बाइक के। इसमें एक छोटा सस्ता भी आते हैं। अच्छा, इसे छोटा भी आता है। ये बढ़िया लगा, पूरा बाइक का काम कवर हो जाता है इसमें। एक छोटे वाला भी दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये छोटे वाला है, ये छोटे वाला कितने बढ़िया भैया? ये आपको पड़ जाएगा 560 रुपये का। 560 रुपये का पड़ जाएगा भाई, ठीक है। इस तरह आपको यहाँ पे सस्ती सस्ती आइटमें मिल जाएंगी भाई। अच्छा ये जो रोल के सामने, अच्छा ये जो चाबी है ये किस प्राइस की पड़ेंगी चाबियाँ? 120 रुपये का। ये सारी जो 6 पीस है ना इसमें? 8 पीस है। 8 पीस है भाई, 8 चाबी हैं, यानी 16 हो जाएंगी ना चाबी। हाँ। दो साइड में होती है। तो ये कितनी बताया आपने? 120 रुपये। 120 रुपये की। और बड़ी वाली भी भैया के पास, ये देखते हैं बड़ी वाली। ये बड़ी वाली ये क्या है? चाबी और पाना दोनों है। हाँ, चाबी और पाना दोनों है भाई इसके अंदर। ये कितनी पड़ी भैया? 200 रुपये का पड़ेगा। 200 रुपये की? हाँ, ये 200 रुपये पड़ेगी भाई, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप, ये क्या चीज़ है भैया? ये हैंड ड्रिल है। हैंड ड्रिल है। हैंड ड्रिल है, जैसे ड्रिल करते हैं। ड्रिल करते हैं, हैंड ड्रिल है। ये कितनी पड़ेगी भैया? ये पड़ेगा 260 का। 260 रुपये पड़ेगी। तो भैया इस तरह आपको यहाँ पे ये यूनिक यूनिक चीज़ें मिल जाएंगी। ये बेल है भैया? हाँ, डोर बेल है। ये कितनी पड़ेगी? ये पड़ जाएगा 160 का। ये 160 रुपये पड़ेगा। ब्लूटूथ वाली हो गई? ब्लूटूथ वाली है। तो भैया इस तरह की भैया हमारे आइटम में रखते हैं। भैया एक बार थोड़ा सा एड्रेस बता दें, कहाँ आपकी शॉप पड़ती है? ये ओल्ड राजपूता मार्केट दीवान हॉल के सामने। दीवान होटल? दीवान हॉल। दीवान हॉल के सामने भैया बैठे हैं। ओल्ड लाजपत राय मार्केट है। हाँ, ओल्ड लाजपत राय मार्केट है, ठीक है। और भाई हमारे पटरी भाई बैठे हैं और मेहनत कर रहे हैं। देखो कितनी गर्मी है भाई हमारा, यानी कि बनियान में काम कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे मेहनती भाइयों को देखते हुए। तो चलो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और अपने भाई पे प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं दोबारा नई किसी वीडियो पे। जब तक के लिए हर हर महादेव।